भारत का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो मित्तल ग्राउंड मुमरा में सभी लोगों के लिए आ चुका है। अब आपको ये फिश टनल देखने के लिए दुबई, सऊदी, अफ्रीका या फॉरेन में नहीं जाना पड़ेगा। आप इसका एक्सपीरियंस मुमरा में ही कर सकते हैं। पिराना से लेकर शार्क, क्रोकोडाइल फिश जैसे हर प्रजाति की फिश आपको मुमरा के फिश टनल एक्सपो में देखने मिलेगा। मगर इतना ही नहीं, आपको ये फिश टनल एक्सपो मुमरा के बेहतरीन मेले में देखने मिलेगा। हाँ, अब तक का सबसे बेहतरीन मेला। सही सुना आपने, क्योंकि ये आम फन फेयर नहीं है। यहाँ पर आपको जबरदस्त अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो, शॉपिंग, सेल्फी पॉइंट, स्पेशल किड जोन के साथ फूड कोर्ट, हाउ गली, एम्यूजमेंट पार्क, फन फेयर, 30 रुपीज में कोई भी घर का सामान एक ही छत के नीचे आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। तो अपने परिवार और दोस्तों को लेकर कहीं बाहर क्यों जाना, जब मुमरा में है इतना बेहतरीन ठिकाना। एक बार जरूर विजिट करें मुमरा मित्तल ग्राउंड फन फेयर एंड अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो, मुमरा मित्तल ग्राउंड शंकर मंदिर के पास। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के रेती बंदर खाड़ी किनारे रखे कंटेनर में भीषण आग लग गई। आग की वजह से कंटेनर में रखा एक सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गया है। इस हादसे में 3 बकरियों की जलकर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि देर रात ये आग लगने की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक शिवसेना शिंदे गुट के नेता अनवर कच्छी की कामगार सेना की तरफ से ये कंटेनर यहाँ खाड़ी किनारे रखा गया था। इस कंटेनर में एक व्यक्ति रहता भी था और 3 बकरियाँ कंटेनर में बांधी गई थी। रात करीब 2 बजे के आसपास में कंटेनर में आग लगी। कंटेनर में मौजूद व्यक्ति फौरन बाहर निकल आया, मगर जो बकरियाँ इसमें बांधी गई थी उसे नहीं निकाल पाया गया। बताया जा रहा है कि इसी कंटेनर में 5 किलो का एक कमर्शियल सिलेंडर भी रखा था और ये ब्लास्ट हो गया। आग की घटना की वजह से 3 बकरियों की जलकर मौत हो गई है। हालांकि आग कैसे लगी इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। नहीं भाई, इतनी भयानक आग लगी है, कहां से अभी इतना जल्दी बुझ जाएगी। इसमें सिलेंडर कितना है? सलाम भाई, पहुंचे ऊपर से आग लगती है, फट गया लगता ना। हाँ हाँ, फट गया।